Hello and welcome to Bollywood Spy. This is Roshni, and today we have with us Bigg Boss के एक बहुत ही चर्चित मैं कह सकती हूँ कंटेस्टेंट राकेश. वेलकम टू बॉलीवुड स्पाई. तो प्लेजर। राकेश, फर्स्टली टेल अस कि क्या आप एक्साइटेड हैं, क्या आप नर्वस हैं, व्हाट इज द फीलिंग दैट यू आर गेटिंग? आई वॉज नर्वस, नाउ आई एम रियली एक्साइटेड। अभी तो दैट वेट इज किलिंग मी, दैट आई एम रियली वेटिंग टू ईगर टू एक्चुअली एंटर द हाउस नाउ, एंड एंग्जाइटी है थोड़ी बहुत, बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड नाउ। राकेश पहली बार ओटीटी पर आने वाला है बिग बॉस, उसके लिए आपकी क्या राय है? लाइक हाउ डू यू लाइक द कॉन्सेप्ट या व्हाट इज इट? या कॉन्सेप्ट, बिकॉज ओटीटी इज द नेक्स्ट बिग थिंग एज वी ऑल नो, एंड आई एम इट्स गोना बी डिफरेंट फॉर श्योर। इट्स गोना बी समथिंग व्हिच इज इट इज गोना बी समथिंग व्हिच इज नॉट यूजुअली सीन बाय पीपल ऑन टीवी, एंड इट इज समथिंग गोना बी डिफरेंट फ्रॉम द टिपिकल घर बैठे ऑडियंस के लिए जो होगा शायद वो थोड़ा सा अलग, मुझे लगता है, बिकॉज मुझे अभी तक आइडिया नहीं पूरी तरह, पर दिस इज व्हाट आई कैन थिंक ऑफ, एंड इट्स गोना बी स्पाइसी, इट्स गोना बी कलरफुल, बिकॉज करण जौहर इज होस्टिंग इट, एंड इट्स गोना बी नाइस, इट्स गोना बी फन, वी आर गोना बी हैविंग अ लॉट ऑफ लाफ्टर। राकेश, पहले भी आपके कई सारे दोस्त जा चुके होंगे बिग बॉस के घर में, सो किसी से आपने कोई टिप्स या कोई सलाह ली? ऑनेस्टली मैंने कभी ये शो देखा है, मैं नॉर्मली रियलिटी शोज देखता नहीं, नॉट जस्ट बिग बॉस बट आई हैव अदर शोज ऑल्सो, बट सो दैट्स वाई आई हैव नॉट सीन एनी काइंड ऑफ सीजन, एंड आई डोंट नो मेनी कंटेस्टेंट्स हु हैव डन दैट, डन द शो, सो आई हैव एक्चुअली नॉट टेकन। जो टिप्स मैं लेना चाहूँ भी तो नहीं ले सकता, बिकॉज मैं उनको पर्सनली इतना जानता नहीं, सो आई एम ऑन माई ओन, एंड आई एम गोइंग टू बी डूइंग थिंग्स ऑन माई ओन, एंड आई एम waiting for the surprises, because I don't want to see the episodes now and then go, because that'll be like completely, I don't want to go with the preconceived notion. I want to have a surprise, and probably that surprise will surprise the audience as well. So, राकेश, इस बार का जो ये बिग बॉस है ओटीटी पर जो आ रहा है वो अनसेंसर्ड होने वाला है, यानी कि 24/7 सारी ऑडियंस आपको देखने वाली है, सो उसके लिए आप कितना प्रिपेयर है? I mean, एक आई थिंक मुझे लगता है कि एक बार जब तो अंदर जाते हो तो थोड़े टाइम बाद ऐसे लगता है कि कैमराज है भी नहीं, बिकॉज यू डोंट फील दैट देयर आर कैमराज, व्हिच इज एक्ट नेचुरली, और मेरा एक ही प्रोसेस है इस सब में कि आई वांट टू बी एज नेचुरल एज पॉसिबल इन द होल जर्नी, आई वांट टू शो व्हाट आई एम ट्रूली, आई एम नॉट गोइंग देयर टू लिफ्ट द ट्रॉफी और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, यस दैट्स इवेंचुअली इट हैपेंस, इट्स सुपर्ब, but I'm going there for an experience which I never thought that I would ever have in my life, and it's once in a lifetime, so I'm going to make the most of it, so the journey is going to be very super important for me, or what people will see from me is what you see, what you see is what you get, you know, it's basically that's what I am as a person, or I'm also I'm a creative guy, so I might get my creativity there, I might involve people in doing something interesting stuff, so yeah, let's see. बजा रही बिग बॉस इस बार कभी? As I said, कि बिग बॉस नॉर्मली एक तो टीम जिनसे बात हुई मेरी, हर साल एक बिग बॉस ऑफर होता था, पर वो हर साल मैं पीछे हटता था, बिकॉज नहीं कर सब मेरा मेरे मैं प्रिपेयर नहीं था ऑनेस्टली स्पीक, और जब इस बार जब उनका फोन आया तब तो उनसे बातें हुई, तब तो बहुत सारी चीजें जो मुझे एक्सपेक्टेड नहीं थी कि इतने अच्छे लोग होंगे बिहाइंड द सीन, so I got along with all of them on a very personal level, I mean very beautiful people, warm people to work with, team बहुत अच्छी है, तो मुझे वो बहुत important लगता है कि किसी भी इंसान के किसी भी टीम के साथ में जब काम करता हूँ तो वो टीम एक कलेक्टिव एफर्ट अच्छा होना चाहिए, इट कांट बी वन साइडेड, इट कांट बी अगर मैं जितना डालू सामने से कुछ आता नहीं है तो इट डजेंट मेक सेंस, यू नो, सो इट फेल वेल, आई मीन इन प्लेस, एंड ऑल्सो द पैंडेमिक टॉट अस अ लॉट टू बी आत्मनिर्भर, एंड टू यू नो लाइक टू मेंटल हेल्थ इश्यूज के बारे में हम कितने बात करते हैं, सो बिग बॉस इज अबाउट द मेंटल इशू, मेंटल हेल्थ इशू, योर माइंड हैज टू बी सुपर स्ट्रॉन्ग, एंड आई थिंक ये तो छोटा बिग बॉस है टीवी पे या ओटीटी पे, पर बड़ा बिग बॉस मतलब जो पैंडेमिक था उसने बहुत कुछ, वो बहुत कुछ सिखा गया हमें, तो आई थिंक दैट बिग बॉस टॉट मी टू गेट रेडी फॉर दिस बिग बॉस। सो राकेश,
राकेश, ओटीटी खत्म होने के बाद ये टीवी पर आने वाला है, तो क्या आपको लगता है कि आप वहां तक अपना सफर तय कर पाएंगे? मैं तो हर दिन का एक सफर है जो मेरे लिए जीत होगी, अगर एक दिन भी पार कर सकता हूँ तो मेरे लिए जीत है। तो आई थिंक आई एम गोइंग टू टेक ईच डे एज इट कम्स। जब दिन खत्म होगा तब मुझे अच्छा लगना चाहिए कि मैंने कुछ अच्छा किया। सो वो तो बहुत आगे की बात है कि कब तक जाऊंगा आगे, कितना लोग मुझे समझ पाएंगे या वोट कर पाएंगे मेरे इस अवतार को। सो depends on all that. So I'm excited. I mean, I'm taking each day as it comes. So completely no complaints. I'm okay to face everything right now. But ये जो एक सफर होगा वो बहुत ही लंबा होगा, like पहले OTT पर उसके बाद TV पर, तो उसके लिए इतने दूर, इतने दिन अपने family से दूर रहना, phone से दूर रहना, पूरी दुनिया से दूर रहना, क्या इसके लिए आप mentally prepared हैं? मैं हूँ, बिकॉज मैं have always been an outdoor person. I've always been out of my house for the longest. I have missed my family, but I've gotten used to it. My parents, my mother and my sister and my nieces, they all are aware of this, and they are going to miss me a lot. I'm just going to miss my animals, my pets, everything. So it's going to be like, yes, I would not miss any of them. I mean, right now I can't answer that, because unless until I go through that whole yard, only then I'll be able to tell you whether you miss them or not. But right now I'm okay. But we have lived apart from each other for a long time. So aisa kuch neighbor distance se kuch farak nahi padta, dil se dil jude ho to kuch baat hi alag hoti hai. Alright. So कई बार इनफैक्ट अगर बिग बॉस का इतिहास देखा जाए तो कई बार जो कंटेस्टेंट होते हैं उनकी पॉपुलैरिटी पे इतनी ज्यादा हो जाती है शो के बाद कि ऑडियंस उन्हें सिर्फ माथे बिठा लेती है, और कई बार जिस तरह का जो व्यवहार वो करते हैं शो में उससे वजह से उनकी रेपुटेशन भी स्पॉइल हो जाती है। Sometimes contestants are very image conscious, तो वो अपनी पूरी पर्सनालिटी नहीं दिखाते। यहाँ पर 24/7 people are going to watch you. What do you think about this? वो तो दिखेगी, सबकी पर्सनालिटी तो खुल के आने ही वाली है, because it's 24/7 और जो सच्चा इंसान होगा उसे चीट करने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब it's what you are, if you show, if you stick to your own personality, और जैसे कि मैंने कहा कि मैंने ये जीत या हार के लिए नहीं कर रहा हूँ मैं, इट्स एन एक्सपीरियंस फॉर मी। तो मैं जितना पॉजिटिवली दिखा सकता हूँ अपने आप, पॉजिटिवली मतलब जो हूँ मैं नॉर्मली, मैं ही वो ही दिखाने की कोशिश करूंगा पूरी तरह। तो आप सारे दोस्त बनाएंगे या शायद कोई दुश्मन भी आपके बन जाएंगे शो में? क्या बताएं, आई डोंट नो, मे बी, देखते वहां जाके पता चलेगा सब क्या है, कौन है, कौन है, मुझे अभी तक भी नहीं पता है कि कौन कौन आने वाले वहां पे। तो इट्स अ बिग सरप्राइज। So, राकेश, कई बार ऐसा होता है कि टास्क के दौरान बिकम सो अग्रेसिव की हाथापाई भी हो जाती है, इट्स वेरी नेक टू नेक। सो ऐसे में व्हाट इज योर संयम मंत्र, किस तरह से संयम बरकरार रखेंगे? संयम तो इट डिपेंड्स ऑन टीम एफर्ट, यू नो, अगर टीम आपकी आपकी अच्छी है यार, आप क्या कर रहे हो, कैसे आप लीडर हो या फॉलोअर हो, उसके हिसाब से इट डिपेंड्स ऑन द पर्टिकुलर टास्क एज इन तब क्या होता है और कैसे तुम हैंडल करते हो, डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ पीयर्स, द काइंड ऑफ सराउंडिंग्स दैट यू हैव। एक्चुअली अभी से मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा, बिकॉज एक्चुअली मुझे पता नहीं, बिकॉज मैंने कभी किया नहीं ना देखा है। तो आई थिंक इट्स अ कंप्लीट सरप्राइज फॉर ऑल ऑफ अस टू इन स्टोर अहेड ऑफ अस। सो बट होगा, आई थिंक आई विल बी ओके। आई मीन आई थिंक I will get along, try to get along with everyone, try to convince people to do things together, not force anybody. Agar force karna bhi padega, there is always a way, because I like to be a part of a solution, not a problem, you know. So ye meri strategy 100% hai. All right. So, राकेश, क्योंकि बिग बॉस में ओटीटी पर इतना समय बिताने के बाद जो सिलेक्टेड कंटेस्टेंट होंगे जो सरवाइव कर पाएंगे उन्हें 15 के लिए आगे बढ़ाया जाएगा, तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होने वाला है जो कंटेस्टेंट ओटीटी पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके लिए, क्योंकि ऑडियंस से कनेक्शन उतना ज्यादा बन जाएगा, क्योंकि ओटीटी पर काफी समय से ऑलरेडी देख रहे होंगे ऑडियंस इनको? तो एडवांटेज तो होगा ही, बिकॉज एज लॉन्ग एज यू आर देयर फ्रॉम द बिगिनिंग, इट्स ऑलवेज अ डिफरेंट, बिकॉज आपकी, बिकॉज नए लोग जो आते हैं तो उनको थोड़ा एडजस्ट होने में प्रॉब्लम होती है, डिफिकल्टी होती है, बिकॉज कुछ लोग ऑलरेडी पहले से ही होते हैं और कनेक्शन भी लोगों का ज्यादा होता है शायद, बिकॉज टाइम स्पैन उतना ज्यादा मिलता है। तो इसीलिए आई थिंक पहले से रहना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज अगर
लंबी रेस का घोड़ा होना है तुम्हें तो आई थिंक रेस के बिगनिंग से तुम्हें भागना पड़ता है, तो आई बिलीव इन दैट। So, Rakesh, before stepping into the house, अपने fans के लिए, सारे Big Boss fans के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? Big Boss fans, I don't know. I'm a new person for them completely. They're not something. I don't know whether they like me or hate me or whatever, because I'm not typically the stereotypical contestant that you would have. But I am going to try to be myself, try to be my the best self that I can portray, and I hopefully won't disappoint you. And everybody is all my fans. Right from Tumbin, they have given me the love and support for 20 years now, more than 20 years. So I just expect them to be by my side all the time. You know, like Tumbin jiya jaye kaise kaise jiya jaye Tumbin gana. It's basically, I won't be able to live without you guys. Tumhare bagair nahi ji paunga, tumhara saath nahi hoga is process mein mere. So keep supporting and love you guys so much. And thank you for giving me this amazing love and support all the time. And I'm blessed to have that. God bless. Thank you, Rakesh, for joining with us on Bollywood Spy, for having a lovely conversation. We wish you love for the show. Thank you so much. Pleasure talking.